नहीं चल गई है। अभी चली है ना वो, मैं बोला लेट यार चली है। अच्छा खैर हम चलते हैं अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की तरफ, ठीक है। लाला ये क्या हो रहा है? ये आपने की है। अच्छा अब सबसे पहले तो इस जो थर्ड मेथड है इनको समझ लें, जो जो सुन रहे हैं। अच्छा मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है सबको? बिल्कुल ठीक है। अब जैसे हम अमेजोन से या कीपा से या जैसे हम फिल्टर लगाते हैं ऐसे निकालते हैं, वो आपके रिवर्स सोर्सिंग भी क्लियर होगी, सेलर स्निपी भी क्लियर होगी। हम थर्ड मेथड पे आ गए जिसका नाम है एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर और सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं। ओनली किससे? डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर या सप्लायर से। पहले हम किससे कांटेक्ट करते थे? डायरेक्ट ब्रांड से। अब क्या हमने जाना है? डायरेक्ट होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर के डायरेक्ट हमने जाना है। अब होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर अमेजोन से तो नहीं मिलते ना ही कीपा से मिलते, तो हमने हमारे पास एक मेथड होता है मैनुअली हमने निकालने होते हैं उनको। कैसे निकालना है? हम जो ना एक मेथड अप्लाई करते हैं उस पर जो ना हम जाते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक मेथड तो ये है कि भाई गूगल में सिंपल आए, सिंपल आके सब कैटेगरी लिखें, सब कैटेगरी कोई भी कैटेगरी की सब कैटेगरी मुझे बताएं। किसी को कोई याद है? किसी भी कैटेगरी की कोई सब कैटेगरी मुझे बता दे। चलें जी यहाँ पर चलें मैं लिख लेता हूँ। मैं सब कैटेगरी होती है एक मेन, जिसमें हम जिसमें एक रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं उसको कहते हैं कैटेगरी, ठीक है। तो जो सब कैटेगरी होती है वो एक ही जो कैटेगरी एक जो सब कैटेगरी होती है उसमें एक ही प्रोडक्ट्स होते हैं। उसमें कह लें कि उसमें डिफरेंट ब्रांड्स आ जाते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस आ जाती हैं, डिफरेंट साइजेस आ जाते हैं। मीन्स कि शक्ल नस्ल एक ही होती है, बस उसमें कुछ साइज़ का फ़र्क होता है या कुछ इस तरह का। लाइक मैं कहता हूँ स्पून, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी वालेकुम अस्सलाम। अजन, मेरे पास सर मेरे पास नेटवर्क जी, मैं समझ मेरे सकता हूँ, पास मैं समझ नेटवर्क इशू है। जी जी तो किसी सकता भी हूँ। सदाम भाई, टाइम सदाम भाई समझ सकते नेटवर्क हैं। पुनेश भाई भी आ गए, कमर भाई जो कि एक बहुत ही ऐसे इलाके में रहते हैं तो वहां से वो भी आ गए। मुजम्मिल भाई का वो नेटवर्क इशू है। बड़ा अफसोस है। कोई जान ये पूछे तो चले नहीं कर चले रहा, आप क्या करें, रोड तक भी निकल गए। जी। मुझे लगता है ये कोई जूम जहाँ तक एक ही था। मैंने मैंने एफएल में रिकॉर्डिंग लगाई हुई है तो वो देख लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी क्लियर करता हूँ। हम बाकी बातें जो है ना सेकंड जो है ना वो करेंगे दूसरी मीटिंग में। तो हम सब कैटेगरी मैंने लिख लिया। एक स्पून, ठीक है। स्पून एक चम्मच, ठीक है। चम्मच मैं कहता हूँ चम्मच के होलसेलर मुझे चाहिए, तो मैं गूगल कहता हूँ स्पून होलसेल सप्लायर्स इन USA, ठीक है। समझ आ गई है? मैंने क्या लिखा? स्पून के जो कैटेगरी एक सब कैटेगरी है उसके होलसेल सप्लायर। मैंने कहा जी स्पून के जितने भी होलसेल सप्लायर USA में वो मेरे सामने आ जाए। मैंने गूगल को ये इंस्ट्रक्शन दी और गूगल ने क्या किया, मुझे सारे के सारे मेरे सामने ला के रख दिए, ठीक है। अब थोड़ी सी यहाँ पर आप लोगों ने अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने पहले तो ये एड वाले जो जाना ही नहीं है और आपने आ जाना है लास्ट में, ठीक है। बिल्कुल लास्ट में आकर डायरेक्ट जाना है कौन से पेज पर? चौथे पेज पर, ठीक है। हम चौथे पेज पे क्यों आते हैं? किसी को कोई पता है कि यहाँ पर कोई मुझे बता दे हम डायरेक्टली फोर्थ पेज पे क्यों आए, हालांकि पहले दूसरे पेज पे अच्छे रिजल्ट होते हैं। जी जी मुझे मालूम है, जी मुजम्मिल आप मुझे मालूम सर। हम चौथे पेज पर इसलिए डायरेक्ट आते हैं क्योंकि जो फर्स्ट पेज पर होते हैं हाई लेवल की ब्रांड, तो उनसे लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ना हम फोर्थ नंबर पर आ जाते हैं। गुड गुड, बहुत अच्छा बताया फहमीदा। बताएं
जी सर, मैं भी ये कह रही थी कि जो ब्रांड्स होती है ना, वो जिनकी बड़ी ब्रांड्स होती हैं वो हम ब्रांड्स नहीं, होलसेल की बात जी करें, होलसेलर्स बड़े बड़े होते हैं, मुजम्मिल भाई और दोनों आप जी लोग के अलावा, होलसेल मतलब होलसेलर्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो हमें क्या कहते हैं अकाउंट नहीं देंगे, तो इसलिए हमें नहीं उनसे देंगे कॉन्टेक्ट करना ही थोड़ा सा समझ लें कि वो एक ठीक नहीं रहेगा। अच्छा जी, मैं यहाँ मुश्किल। पर अब आ गया हूँ जी, एड वाला छोड़कर मैं चौथे पेज पर आया, और मुझे ये बोल रहा है प्लास्टिक स्पून्स, आगे जो नीचे उसके डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसके जो स्पून्स प्राइस भी लिखा हुआ है, होलसेल का वर्ड भी आ रहा है जो हमने सर्च अपना जो है ना उस पर सर्च हमें लिखा था, उसके बाद सप्लायर का वर्ड भी आ रहा है, इट मीन्स के ये होलसेलर या सप्लायर है, फिर भी यहाँ से हमें 80% दावा हो रहा है कि ये जो वेबसाइट है या तो होलसेलर की है या तो सप्लायर की है, ठीक है, तो हमें ये अंदाजा हो गया, हम क्या करते हैं इसको क्या करते हैं ओपन एन न्यू टैब, ठीक है, मैंने एक ओपन कर ली, दूसरी नीचे आ जाता हूँ, तो ये क्या लिखा हुआ है तो होलसेल की लेकिन क्या है यूके की है, ठीक है, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर क्या रहा है कि जी होलसेल मेजरिंग स्पून, तो नीचे लिखा हुआ है बाय बल्क मतलब के होलसेल में बाय करो, और स्पून चाइनीज, ये चाइनीज की हैं तो हम इस पर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जाएंगे, लेकिन चेक जरूर कर सकते हैं, लेकिन करना चाहेंगे लेकिन मैं नहीं करूँगा इसको चेक। अच्छा, एक ये है होलसेलर है, ठीक है, यहाँ यहाँ पर भी नीचे आप पढ़ लें, इसको देख लिया करें, ये ना हो जी चौथे पेज पर आके जो है ना उसको खोल वेबसाइट खोल के रख दें और बाद में समझ ना आए। अब ये भी देख लें कि ये लिखा तो होलसेल हुआ है, ये देखें यहाँ पर भी होलसेल लिखा हुआ है, ये स्पून भी लिखा हुआ है, लेकिन ये कौन सी वेबसाइट है किसी को पता है, कोई बता सकता है ये कौन सी वेबसाइट है और हम इस पर क्यों नहीं जाएंगे, क्यों क्यों नहीं जाएंगे इस पर, कौन सी सर? आप के ठीक दादर है कि मेरे पास से आवाज आपकी सही से नहीं आ रही? ये वाली जो सामने वेबसाइट खुली हुई है ये कौन सी वेबसाइट है, हम इस पर क्यों नहीं जाएंगे, टैक्सी मैं बताऊं सर? सर ये सर हाँ वो हाँ जो बताना चाहिए एड 100% बता दो। सर, ये अमेजोन की नहीं, ये एड से एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, वहां पर सिर्फ ड्रॉप शिपिंग होती है, तो ये एक हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हेलो, जिस तरह ईबे वॉलमार्ट होती है इस तरह की आई थिंक आवाज साइट है नहीं आ उसमें। रही यार। आपके सर क्योंकि वो हैंग हो गया। मुजम्मिल भाई जरा देख लिया करें यार, एक बोल रहा है, अब कौन बोल रहे थे भाई पता नहीं। चले हम एटसी एक समझ लेंगे एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हैंडमेड प्रोडक्ट्स बिकती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है एटसी पर क्या होती हैं हैंडमेड प्रोडक्ट्स बिकती हैं, ये अमेजोन की तरह है, खुद एक बहुत बड़ा जो है ना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हाथ की बनी हुई हैंडीक्राफ्ट जो है ना चीज़ें यहाँ पर सेल होती हैं, ठीक है, लोग इस पर भी बहुत जाते हैं, वहाँ पर सेल्स बनाते हैं और इवन कि हम खुद काम कर रहे हैं इस पर, ठीक है, तो नीचे आते हैं हम, आगे आ जाते हैं, अब ये लिखा हुआ है होलसेल प्लास्टिक स्पून्स होलसेल, इसको भी मैं खोल लेता हूँ ओपन ए न्यू टैब, उसके बाद ये है जी मेकिंग सप्लाईज 3 पीसीज, इसको भी मैं खोल लेता हूँ, ये होलसेल लिखा हुआ है नीचे, यूएसए का नीचे लिखा हुआ है, मैं इसको ओपन ए न्यू टैब कर लेता हूँ, अब ट्रेड इंडिया ये नहीं खोलेंगे हम, तो सर उसका क्या बताया किसका किसका ये भाई, जो पहले वो आपने बताया नहीं था कि इस पर हम क्यों नहीं जा सकते? एटसी का? हेलो, वो ये एटसी वेबसाइट का आप बता रही थी? जी, बिल्कुल उसके ही आप पूछ रहे थे ना, मैंने कहा इस पर हम नहीं जा सकते इट्से पर, तो उसका क्या इशू था? क्योंकि मेरे पास सिग्नल इशू है ना, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मुजम्मिल भाई मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप ना जहाँ तक समझ आती है तो आप समझने की कोशिश करें, हम जो ना जहाँ तक नहीं समझ आ रही है आप ना वीडियो बाद में देख लीजिएगा, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा उसको, ठीक है, तो आप देखें एक होलसेल की ये हमारे पास एक वेबसाइट आ चुकी है, ठीक है, एक अब जहन में रखना है होलसेल की वेबसाइट हो लेकिन ओके काइंडली जो भी बोल रहे हैं अपनी माइक को अनम्यूट कर दें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि होलसेल की वेबसाइट पर आप आ चुके हैं, ये वाकई में होलसेल की है, ठीक है,
अब मसला ये है कि जिस होलसेलर की प्राइस विदाउट लॉगिन शो हो रही हो उस पर हम नहीं जाएंगे। ये देखें हमने लॉगिन नहीं किया ना अभी तक, हमें इन्होंने अकाउंट नहीं दिया लेकिन इसकी प्राइस अभी तक शो हो रही है, इट मीन्स कि ये किसी काम का होलसेलर नहीं है, ना ये अमेजोन पर सेल करने देगा, अगर करने देगा भी इसकी जो ना प्राइजेज हमसे मैच नहीं करती होंगी और ना इसका यूपीसी कोड होगा, तो मीन्स के 90% चांस है कि इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो अमेजोन पर होंगे ही नहीं। ठीक है, अगर होंगे भी तो ये हमें इजाज़त नहीं देंगे और ना ही कोई ऐसा हमें इनवॉइस बना कर देंगे या फिर हमें जो ना एक ऑथराइजेशन लेटर देंगे जिससे हम अमेजोन पर सेल कर सकें। ठीक है, इसको तो मैं कट कर देता हूँ बिकॉज इसकी प्राइस शो हो रही है, इसको मैं बंद कर दिया। नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। ये भी देखें, एक ऐसा होलसेलर तो ज़रूर है लेकिन ये क्या है कि इसकी प्राइजेज शो हो रही हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इस पर नहीं जाएंगे बिकॉज ये हमारे काम का नहीं है, ये अकाउंट तो हम इजीली दे देंगे लेकिन ये इसकी जिसकी प्राइस शो हो रही है ये हमारे किसी खाते में नहीं आते, तो हम क्या करेंगे इसको भी कट कर देंगे। ठीक है, अब इस पर आ जाते हैं तो ये देखें एक होलसेलर है जिसकी प्राइस नहीं शो हो रही, ठीक है, बल्कि इसकी भी प्राइस शो हो रही है, देखें ये भी एक होलसेलर किसी काम का नहीं है, इसको भी क्या कर दूंगा मैं, कट कर दूंगा। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक ये होलसेलर है, ठीक है, होलसेलर ये भी है लेकिन अच्छा होलसेलर नहीं है, ठीक है, इस पर हम ये इसकी भी प्राइस शो हो रही है, इसको भी हम, ये देखें इसकी प्राइस शो हो रही है, इसको भी हम कट कर देंगे। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास इसमें रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे इधर जाके हम क्या करेंगे, फिफ्थ पेज पे चले जाएंगे। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ मैं, तो ओपन अ न्यू टैब, उसके बाद ये भी मैन्युफैक्चरर है ये, तो इसको भी मैं ओपन न्यू टैब करता हूँ। इसको भी मैं ओपन अ न्यू टैब करता हूँ। ये देखें इसकी भी प्राइस शो हो रही है, तो इट मीन्स कि ये भी हमारे काम के नहीं है। ठीक है, अब इसकी भी जो है एक, ये भी एक होलसेलर है लेकिन इसकी भी प्राइस शो हो रही है, इट मीन्स कि ये भी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, हम ऐसे चेक करते आना है, वन बाय वन सबको चेक करना है कि भाई जिसकी प्राइस शो हो रही है वो हमारे काम का नहीं है, वो उससे हम कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब देखें इसमें भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, हम नेक्स्ट चलते हैं, नीचे चलते हैं और हम फिफ्थ पेज पर चले जाते हैं। अब मेरी आवाज अब तक आ रही है? ठीक है, तो अब देखें ये एक सप्लायर है जिसकी स्पून्स नज़र आ रही हैं लेकिन इसकी जो है ना, ये देखें प्राइस बिल्कुल शो नहीं हो रही। ठीक है, इसका ये कोड वगैरह शो हो रहा है, ये इसकी प्राइस नहीं शो हो रही, इट मीन्स कि ये हमारे काम का है। इसको हम क्या करेंगे, इसके हम कॉन्टेक्टर्स में जाएंगे और इसकी जो है ना, ये हम ईमेल उठा लेंगे। ठीक है, अब ये देखें इसकी ईमेल नज़र आ रही है आप लोगों को, इसकी ईमेल आप लोगों ने उठा ली, कॉपी किया, अपनी शीट में आए और शीट में आके मैं आप लोगों को एक किसी खाली शीट वाली इस, चलो इस शीट में आ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर देना है, इसकी यहाँ पर ईमेल लिख दी, यहाँ पर आप लोगों ने इसका यूआरएल लिख देना है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो कॉन्टेक्ट अस आ गया, इसको हमने बंद कर दिया। दूसरे पे आ जाते हैं इस पर, ठीक है, इसकी देखते हैं, इसकी प्राइस शो हो रही है, इसको भी हम बंद कर देंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पर आ जाते हैं सप्लायर लीडर। अब ये सप्लायर लीडर जो है ना, अब देखें इसके हम किसी भी चले जाते हैं, किसी भी होम एंड किचन में चले जाते हैं। चलो जी, सप्लायर लीडर एक बहुत बड़ा जो है ना होलसेलर है, इससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इसकी जो है ना, ये प्रोडक्ट्स भी नहीं शो करता विदाउट लॉगिन। ठीक है, ये एक सप्लायर लीडर एक बहुत बड़ी स्केल के डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है। ठीक है।
ठीक है, अब इसको हम उठा सकते हैं, इसका जो ना हम इसको कॉपी कर सकते हैं। मतलब जो भी प्रोडक्ट आपने लेना उसको आपने डायरेक्ट उसके ना आके देख लेना कौन कौन उसके होलसेलर मौजूद है। लेकिन सिर्फ जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आप ओपन करोगे ना आपने सिर्फ ये चीज चेक कर लेनी है कि क्या इस जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोडक्ट। राम भाई आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, काइंडली थोड़ी स्पीड से बोले। स्पीड से बोलूं कि ऊंचा बोलूं? स्पीड से बोले, ऊंचा ही बोले, दोनों बोल। सही है। नहीं नहीं आप उसको उठाओ, मैं बताता हूँ। मुझे समझ नहीं आई यार, मैं तो फूल ऊंची बोल रहा हूँ, नीचे तक आवाज चली जाएगी। नहीं असदाम भाई हम दोनों को तो एक दूसरे की आवाज आ रही है, आई थिंक फैसल भाई को नहीं आ रही हमारी आवाज। बाकी सबको आ रही है आवाज मेरी? जी जी आ रही है। आ रही है, बस ठीक है। फैसल भाई आपकी तरफ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जुबैर भाई की अच्छी तरह आवाज आ रही है, आपकी थोड़ी कम आ रही है आवाज, इसलिए कहा मैंने। अच्छा हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये सप्लाई लीडर हो गया, हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये है कि यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूटर को ओपन करना है, उसका कॉन्टेक्ट लेना है, उसकी ईमेल लेनी है, उसका यूआरएल, ये तीन चीजें लेके उठा लेनी है। लेकिन तीनों चीजें लेने से पहले ये चीज एक दफा देख लीजिएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास कौन कौन से ब्रांड है, और जो इसके पास ब्रांड है वो अमेजोन पे सेल कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये ना हो कि 10,000 उसके पास प्रोडक्ट और जितने भी ब्रांड है कोई भी ब्रांड अमेजोन पे सेल कर ही ना हो रहा हो, ठीक है। इसलिए वहां से एक दो ब्रांड उठा के देख लें, उसको अमेजोन पे डालें, अगर उसकी प्रोडक्ट मिलती है अमेजोन पे, ठीक है, तो फिर वो हमारे काम का है, उसमें से हमें कुछ मजीद जो है ना प्रोडक्ट मिल सकती हैं, ठीक है। अच्छा, उस की अगर अमेजोन पर प्रोडक्ट्स मिलती हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट हम सर्च कर रहे हैं अगर वो नहीं है तो? हम यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं सर्च करते, हम यहाँ पे होलसेलर सर्च करते हैं कि जिसके पास बहुत सारी जो है ना प्रोडक्ट होती हैं जो हमें होलसेल रेट पे मिलती हैं, ठीक है। तो सर ये सपून की एग्जांपल से हमें समझाया ना कि सपून की एग्जांपल हमने जो ली है इससे मजीद आगे थोड़ा क्लियर करें ना कि क्या क्या करना है। स्पून की एग्जांपल आपको इसलिए दी गई है कि वहां पे आपने सब कैटेगरी लिखनी है, मतलब कि आप पैटर्न सप्लाई के प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं, होम एंड किचन के ढूंढ रहे हैं, टूल्स की ढूंढ रहे हैं, गेमिंग की ढूंढ रहे हैं, कुछ भी कोई भी कीवर्ड आपने अगर लिखना है ना तो उसके रिलेटेड आपको वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर और जो है ना सप्लायर की शीट आपके सामने कर देगा कि यहाँ से देख लें आपके मतलब का कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। फिर फर्दर हमें वहां से जा, अब जाहिर सी बात अगर हमने स्पून चेक किया तो उस डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास सिर्फ स्पून ही तो नहीं होगा, और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होगी, ठीक है। और कुछ? बस थैंक्स। फैसल भाई नेक्स्ट चलें। दो मिनट से ढाई मिनट से दो मिनट रह गया, मैं दोबारा लिंक सेंड करूंगा। अभी फिलहाल मैंने यही बताया कि आप देखें इसकी भी मुझे, ये देखें इसके प्रोडक्ट की प्राइस शो हो रही है आप लोगों को, नहीं हो रही ना? इट मीन्स हम ये प्राइस ना शो होने वाला फार्मूला, या फिर हम बोलते हैं जी ये जो हमारे जो क्यूरीज में बता, ये जो बता रहा हूँ मसले इसके बता रहा हूँ, इसमें इसका मकसद होता है कि ये वाले वो वाले होलसेलर्स होते हैं जो अमेजोन पर इनके प्रोडक्ट सेल हो रहे होते हैं, और ये हर बंदे को नहीं घुसने देते अनटिल के ये कोई इनका लॉगिन ना ले ले या इनको रिक्वेस्ट ना करे और ये होलसेलर अकाउंट ना दे दें, ठीक है। तो ये हर बंदे को जो है घुसने नहीं देते, हर बंदा कोई आके बाय नहीं कर सकता। इनको क्या करना है, इनको हम कॉन्टैक्ट करेंगे, इनके ईमेल के थ्रू हम इन्हें कॉन्टैक्ट करेंगे, या नंबर के थ्रू आप इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके इनसे होलसेल अकाउंट लेना है। होलसेल अकाउंट लेके उसके बाद हम इन्हें जो है ना, ये जब हम लॉगिन कर लेंगे तो इनकी क्या होगी, प्राइजेस हमें शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब फैसल भाई ये हमें लॉगिन होने के बाद पता लगेगा ये अमेज़न पे है या नहीं है? हाँ, नहीं, 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 नहीं
पहले पता चल जाएगा लेकिन प्राइसिंग बाद में शो होंगे। लेकिन ये चीजें मैं आपको तब बताऊँ, तब जो कर रहे होंगे आप लोगों को तब मैं बता रहा हूँ जब आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को इसका दे रहा हूँ कि आप लोगों ने किस तरह इसको स्टार्ट में लेना है, ठीक है। ये भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन जो इसको आंखें खोल के करता है या लोग पता क्या कर रहे होते हैं, गूगल पे आए और यहाँ पर सब कैटेगरी लिखी और दे धड़ाधड़ लिख लिखा तो लिख लिखा, बस वो सारी वेबसाइट इकट्ठी कर लीजिए, मैंने 5000 वेबसाइट इकट्ठी कर ली। अच्छा, 5000 में से कोई 10-12 काम की होती हैं, बाकी सारी कमी होती हैं। अब हमने ढूंढनी होती हैं काम वाली वेबसाइट और फेमस। अब जैसे सप्लाई लीडर है, जैसे मैंने यहाँ पर ये सप्लाई लीडर लिखा, अब सप्लाई लीडर है तो बड़ी काम की, लेकिन ये इतनी बड़ी जो है होलसेलर है, सप्लायर इतना बड़ा है कि ये हमें अकाउंट बड़ी मुश्किल से देगा, ठीक है। ये सप्लायर है, ये क्या पूछ रहा होता है, ब्रिक्स एंड मोटर। अच्छा, ब्रिक्स एंड मोटर क्या होता है, ये कह रहे होते हैं जी अगर आपका USA में या UK में आपका फिजिकल स्टोर है, फिजिकल स्टोर ब्रिक्स एंड मोटर कहते हैं, ठीक है, वो है तो तब हम आपको अकाउंट देंगे। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं और आप अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करते हैं तो हम आपको नहीं देंगे। मेरी लिंक जो है ना ये एक्सपायर होने वाली है, मैं दोबारा आप लोगों को सेंड करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है जी। हेलो जी, जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, आपसे पूछने का मतलब ये था कि आपको ऑलरेडी पहले बताया कि पूछने का मकसद सिर्फ ये था कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो जी जी बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला ये, लेकिन ये कि सबसे पहले आपने भी इसको पढ़ना जरूर है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगाना है इसमें ना, कि देखें ये बी एड कॉपी है टू जी जी। एक मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा जी, अच्छा ये चीज नजर आ रही है आप लोगों को। हेलो जी, जी आप बोले जी, सर आ रही है जी, ठीक हो गया। अच्छा ये चीज देखें, अब इस प्रोडक्ट के हमें प्राइस तो नहीं शो हो रही, तो मुझे रिस्पांस भी देना ताकि मुझे समझ आए कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं हो रही सर, प्राइस तो शो नहीं हो रही। भाई किचन के, हाँ जी ये किचन के मुतलक है ना, ये देखे ना ये, लेकिन ये है कि हमने किचन के मुतलक निकाला है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके पास सिर्फ किचन की ही आइटम हो, उसके पास पेंट स्प्राई भी हो सकता है। ये देखे, ये तो सारी किचन की आ गई, तो ये लेकिन ये भी किचन के मुतलक ही है, लेकिन ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के पास किचन के अलावा और भी बहुत सारी जो है ना कैटेगरी होती है, ठीक है। ये देखे, ये गार्डन की कैटेगरी है, ये होम किचन की कैटेगरी है, फिर उसके बाद गार्डन है, किचन है, फूड स्टोरेज है, टेबल टॉप्स, फिर उसके बाद ये नीचे भी देखें, नीचे भी उसकी मुख्तलिफ सब कैटेगरी है कि इसके पास कौन कौन सी चीजें हैं, बॉल्स हैं, मग हैं, कप्स हैं, ड्रिंक्स वेयर हैं, स्पून हैं,
ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखनी होती है इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे आके इसके कंटेक्ट अस में से जो है ना, मतलब इसका निकाला, इसकी ईमेल निकाली, इसका ये नंबर निकाला, नंबर निकालने के बाद फिर उसके बाद इसी का यूआरएल कॉपी किया यहाँ से और शीट पे ले गए, ठीक है। जिस तरह से आप ब्रांड कॉपी करते थे ना, ब्रांड कॉपी करने के बाद जो है ना उसका जो है ना जो डाटा आप निकालते हैं ना, सेम उस इसमें से आपने यही निकालना है। क्या ये कौन बोल रहा है? ये पेमिता भी चली गई है। पेमिता वो आई थिंक नेटवर्क इश्यू चल रहा है। अच्छा तो इसका ये है। अच्छा ये इसकी मिल गई, ये देखें जी, ये इसकी जो है ना कॉन्टेक्ट आवर सेल डिपार्टमेंट सेल्स एट, तो ये जो इसकी जो है ना ईमेल लिखी हुई, ये आपने कॉपी करनी है, ये इसका जो है ना यूआरएल कॉपी करना है, ये जो ऊपर है, ठीक है, और साथ इसका कॉन्टेक्ट कॉपी कर लेना है। ये वैस भाई आपको समझ आ रही है? वैस राजा मेरे लगता है वॉइस नहीं किसी को जा रही, वैस राजा क्लास में आ रही है सर, थोड़ा सा बोले ना साथ ताकि मुझे समझ भी लगे कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। जी फहमीदा अब बताएं मुझे क्या करना है आपने, फहमीदा जी, शमसा आपको वॉइस आ रही है? माइक भी ऑन नहीं है उनके पास, आवाज नहीं जा रही जी। मुबीन फातिमा जी, बुशरा जी सर। अच्छा ये बताएं मैंने क्या बताया आपको, अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर में हम क्या करते हैं? सर मेरी आवाज ही नहीं आ रही। मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही सर, आपकी आवाज आ रही है यहाँ पे तो, क्लियर आवाज आ रही है। अच्छा बिलाल भाई अगर आपको आवाज आ रही है मेरी सारी, तो क्या मैंने बताया है, क्या करना है आपने? सर आपने बताया था कि जिस तरह हमने पहले किया था ना सेलर्स नीति में, उसमें ये मतलब ये सर्च करके नेम होलसेल को, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट को सर्च करके उसमें कैटेगरीज देखनी है जो आपने देख, उसमें काफी कैटेगरीज होंगी, तो आपने जिसपे भी जाना है तो वहां से जाके उसके आपने क्या उसे कहते हैं कॉन्टेक्ट में से उसकी ईमेल लेनी है जी, और उसका नंबर लेना है और उसका यूआरएल लेना है। जी वेरी गुड, ठीक है, जैसे पहले किया था। और हमने किन चीजों को अवॉइड करना है? आपने ये बताया था कि जिसमें प्राइस लिखी हुई है ना वो चीज नहीं लेनी है। हाँ वेरी गुड हो गया, ठीक है जी। इसी चीज को मुझे कौन बताएगा और जी? पुनिश जी स्तंभ भाई। अच्छा, बस पहले हम गूगल पे जाते हैं। वो समझ आ गई मुझे, मुझे सिर्फ ये चीज बताएं कि ये जो हम मेथड यूज कर रहे हैं इसको कहते क्या हैं? एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। काम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये एक काम सिर्फ तवज्जो से करने वाला, ठीक है। तो ये है कि आप, मैंने पहले जितना भी आपका काम देखा ना, आपने रिटेल वेबसाइट बहुत सारी उठाई है, हालांकि ब्रांड से जो है ना वो थोड़ा सा इजी होता है कि ब्रांड के जो है ना अब बहुत कम रिटेल वेबसाइट आती हैं, तो आप ब्रांड ही सर्च करते हो, लेकिन अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर में आपको बहुत सारी जो है ना फैक्ट्री मिलेंगी, रिटेल वेबसाइट मिलेंगी, ये चीज़ें, ठीक है। तो आपने ये काम नहीं करना, पहले उसको एक दफ़ा का चेक कर लेना कि है क्या चीज़ है, ठीक है, उसके बाद उसको ईमेल को उसके कॉन्टेक्ट को उठाना है, ठीक है। अच्छा
डायरेक्टरी बता रहा था आपको, डायरेक्टरी का पता किसी को? नो सर, इसका आइडिया नहीं। सर ने एक बार बताया था स्टार्ट पे डायरेक्टरी का ना। हाँ जी जी, असल में डायरेक्टरी बस ओह सर जी असल में डायरेक्टरी पता क्या चीज होती है? डायरेक्टरी होती है कि जिसके पास बहुत सारी जो है ना, मतलब के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ठीक है, होलसेलर होते हैं, ठीक है, तो थर्ड पार्टी होती है? ना ना, थर्ड पार्टी नहीं होती, मतलब ये जिस तरह हम वेबसाइट फाइंड करते हैं ना, ठीक है, उसमें एक ही वेबसाइट के अंदर जो है ना बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके लिंक होते हैं, ठीक है, और वहां से मजीद फर्दर जो है ना उनके कॉन्टेक्ट निकाल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर को निकाल सकते हो, ठीक है, चेक कर सकते हो उसको। लेकिन ये है कि हम जो है ना कोशिश यही करते हैं कि हम जो है ना डायरेक्टरी को ना यूज करें, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर जितने भी होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर होंगे ना, वो समझ लो कि जो है ना हमारे किसी काम के नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टरी तो हर हर बंदे यूज कर रहा होता है। लेकिन ये कि हम ऐसी प्रोडक्ट में जाना पसंद करते हैं जो कम लोगों ने सर्च की हो, ठीक है, और उसके पास प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा हो। क्योंकि अब ये देखे, अब फैसल भाई ने बताया कि हम डायरेक्ट फोर्थ नंबर पे, अब फोर्थ पेज पे चले जाएंगे। वो क्यों चले जाएंगे? वो इसलिए चले जाएंगे कि जो फर्स्ट जो पेजेस होंगे ना, टू पेजेस, उनमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड आ जाएंगे, बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत बड़े बड़े सप्लायर, होलसेलर होंगे जो कि हमको काउंट नहीं देंगे, ठीक है। इस वजह से जो है ना हम तीसरे चौथे पेज पे चले जाते हैं कि ये जो पेजेस होते हैं इनको कम लोग सर्च करते हैं, ठीक है। और बात कर ऐसा होता है कि एक बहुत अच्छा होलसेलर है, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन वो इतना फेमस नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वो पहले पेज पे नहीं आया, तो हो सकता है कि हम वो हमें अकाउंट दे दे तो हमें बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिल सकती है उससे, ठीक है। अच्छा, एक तो मेथड ये था कि आपने जो है ना लिखना है होलसेलर, वो कोई भी कैटेगरी लिख के, ठीक है, किचनवेयर लिख के या स्पून लिख के या फिर कुछ भी लिख के आपने करना है जी डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर यूएसए, ठीक है। एक तो ये जिला, तो यूके का भी ऐसे ही होगा, यूके का भी सेम होगा, हर चीज सेम होगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमने करना क्या, चेंज क्या लिख गया। अब ये देखें, एक दफा हमने किचन में होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर लिया यहाँ पे, इतना मिनट बड़ा सोचा था। अब पहले हमने स्पाइन किया था यूएसए को या यूके, यहाँ पे मैंने यूके लिखा था, यूके आ गया, ठीक है, यूके को हमने चेक कर दिया। अब फर्दर जो है ना, न्यूयॉर्क, ठीक है जी, हाँ ठीक है। अब पहले वो था, वो पूरे कंट्री का था, ठीक है, वो उसके रिलेटेड जितने भी मतलब के वो होलसेलर थे ना उससे रिलेटेड, वो उसने उठा के आपको दे दिए, ठीक है। अब पता नहीं वो आपको अकाउंट देते हैं या नहीं देते, लेकिन ये कि ये जो है ना उसमें फिर आएंगे बड़े बड़े जो है ना होलसेलर, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड होता है ना, ये जो सिटी वाइज आप चेक करते हो, सिटी वाइज से ये होता है कि जितने भी न्यूयॉर्क के होंगे ना, आपको सिर्फ वो ही दिखाएगा। आपने पहले न्यूयॉर्क के उठाने हैं, फिर उसके बाद लंदन के उठाने हैं, फिर उसके बाद फ्लोरिडा के उठाने हैं, मतलब मुख्तलिफ जो है ना सिटी वाइज आपने गूगल से सर्च कर लेना है के जी यूएसए के बड़े सिटीज कौन कौन से हैं, ठीक है, वहाँ वो आपको सिटी की लिस्ट दे देगा। वहां से वन बाय वन आपने पहले न्यूयॉर्क दिया, फिर दूसरा सिटी, इसी तरह से आपने इस तरह से फाइंड करना है। मुझे जो चीज लगती है, मुझे लगता है कि जो है ना यूएसए लिखने की बजाय ना अब न्यूयॉर्क लिखते हो या सिटी का नेम लिखते हो ना, उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाता है और डेटा भी ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर आपने ये चीज बताया किचनर वेयर में हमने होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर न्यूयॉर्क सिटी लिखा, ठीक है, अब हम इसके फोर पेज में जाएंगे और वहां से जाके चेक करेंगे? नहीं नहीं, अगर आपने
अगर आपने सिटी सिटी लिखा है ना, तो सिटी में आपने पहले पेज से स्टार्ट कर लेना, ठीक है। सिर्फ सिर्फ एड को चेक नहीं करना। असल में यूएसए में इसलिए फोर्थ पेज पे चले गए थे, तो वो उसने पूरे कंट्री से होलसेल में खाए थे, ठीक है। वहां पे वो मतलब पूरे कंट्री से जितने भी बड़े बड़े होलसेलर थे ना, किचन के मतलब, स्पून के मतलब, या जो है ना पैटर्न सप्लाई के मतलब, टूल्स के मतलब, ठीक है, जो भी हमने कैटेगरी सब कैटेगरी लिखी थी, ठीक है, उसने वहां के जितने भी बड़े बड़े होलसेलर थे ना, सबको उठा के हमारे आगे कर दिया, ठीक है। लेकिन हम चले गए फोर्थ पेज पे, फर्स्ट पेज पे, ठीक है, कि हमें इतने बड़े बड़े जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए, हमें थोड़े छोटे चाहिए कि जिनके साथ हम काम भी कर सकें, जो हमें काउंट भी दे देंगे, ठीक है। लेकिन जब आप सिटी वाइज चलोगे ना, वो सिर्फ न्यूयॉर्क के, फ्लोरिडा के, या जो भी उसके सिटी है, वो उस हिसाब से आप उठाएगा, ठीक है। आपको फॉर एग्जाम्पल आप बता रहे हो लंदन, ठीक है जी, लंदन का कर दिया। फिर लंदन के बाद आप कहते हो जी अब जो है ना मतलब मैं मैनचेस्टर का कर लेता हूँ, ठीक है, मैनचेस्टर कर लेता हूँ। फिर उसके जी जी, जी? इसको सर्च सर्च इसको सर्च करें जी, नहीं सर्च कर दिया जी। अब ये देखें, अब ये ऐड है, ये ऐड आपने नहीं उठाना है, ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है जी शॉन ब्रदर्स होलसेलर डॉट फोटो के होलसेल किचन सप्लाई, ये वी कैन सप्लाई लार्ज स्टॉक ऑफ होलसेल, ठीक है, होलसेल का वर्ड आ गया इसमें, ठीक है जी। साथ में इसको एक दफा पढ़ लिया, ठीक है, कि ये क्या दे रहा है जी, ये जो है ना हमारे काम का है, ठीक है। हालांकि सर यहाँ पे क्या हमने क्या मद्देनजर रखना है कि जिसको मैं नहीं देखना, मतलब जब पढ़ना है तो यहाँ पे, अच्छा जी मैं कौन सी चीज, अच्छा ये देखो जी, ये अब www.esource.co.uk, अच्छा ग्रेटर मैनचेस्टर कुकवेयर एंड किचन होलसेलर। अब मैं इन दोनों का आपको उठा कर बताता हूँ कि इनमें फर्क क्या होगा। मैं आपको कह रहा था ना डायरेक्टरी जी, ये डायरेक्टरी है, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके साथ काम कर चुका हूँ, ठीक है। असल में ज्यादा डिटेल ओपन करके इसलिए नहीं बता रहा, मेरा नेट जो है ना थोड़ा स्लो चल रहा है, तो इसके लिए आपको वेट करना, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल के बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये देखो जी, ये शॉन ब्रदर आ गया जी, इसकी ये देखें, इसके वो नंबर बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, व्यू प्राइस लॉग इन, ठीक है। अगर आपने लॉग इन करना है तो फिर आपको प्राइस शो होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये कि मेरे लिए सूटेबल है, क्योंकि ये प्राइस नहीं बता रहा। हाँ, प्राइस नहीं बता रहा, वो कह रहा है कि लॉगिन करो प्राइस चेक करने के लिए। अब इसके दो मेथड होते हैं इनसे रहता करने, एक इसका मतलब इसी तरह सेम जो है ना उसका कॉन्टैक्ट अस में जाके, हाँ जी कॉन्टैक्ट अस में जाए, यहाँ से उसका जो है ना यूआरएल कॉपी करें, उसका जो है ना मेल कॉपी करें, हाँ। और उसके बाद साइट वेबसाइट कॉपी करें। अब ये देखें, ठीक हो, अब ये कि उसने मेल नहीं दी हुई, ठीक है, उस यहाँ से उसका सिर्फ नंबर उठाया, ठीक है, मोबाइल नंबर, और उसका यहाँ से यूआरएल कॉपी कर दिया, और इसके आगे लिख दिया कि जो है ना ये आपने फॉर्म फिल करना है। अब फिर हाँ जी, अब फिर यहाँ पे आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने वो मतलब वेट कर, अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ, फिर उसके बाद मेरा जो भी कॉन्टेक्ट होगा मैं उसको क्या बोलूंगा कि जी मैंने ये करना है, तो अपने आपने जो भी मतलब कि एक टाइटल लिखा होगा कि हम क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, कहाँ तो काम करते हैं, वो लिख के आपने इस यहाँ पे इसको सेंड कर देना, ठीक है, सेंड कर देंगे, फिर वो आपको फर्दर जो है ना आपको ईमेल करेंगे। मैं ईमेल भी ओपन कर दूंगा, अच्छा जी ये खुल जाती है इतनी देर में आपको ये बता दूं डायरेक्टरी का वो दूसरी वाली साइट का जो आपको बता, हाँ जी वो बता दूं। अब ये देखें, अभी जो हमने ये खोला हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर जी शॉन ब्रदर्स, ठीक है जी। ये देखें जी। ये शॉन ब्रदर इसके पास भी है, फिर उसके बाद ये देखें ग्रेटर मैनचेस्टर टू प्लेयर ये वो सा, ये कहता है जी sign into your account to contact this supplier,
ये भी सप्लायर है, ये भी सप्लायर है, ठीक है, यानी कि इसके पास बहुत सारे जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर का लिंक है डिस्ट्रीब्यूटर से, लेकिन ये कि इसको हम अवॉइड करेंगे। हाँ, इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ से हमें जितने भी जो है ना मिलेंगे ना सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ तो उनसे हमें काम की प्रोडक्ट नहीं मिलेंगी, ठीक है, अगर प्रोडक्ट मिलेंगी तो वो जो है ना वहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, इस चीज को बोलते हैं ट्रैक्टरी रिसोर्स। वैसे इसके पास बड़े बड़े अच्छे भी हैं, लेकिन ये कि सेलर बहुत अच्छे बहुत सारे सारे बैठे होते हैं उसमें। ठीक हो गया। अच्छा, मैं बता रहा था यहाँ पे आपने और नेम जो आपने लिखना होता था, ये कोशिश करें आप अपना जो रियल नेम है ना आप वो भी लिख सकते हो, नो डाउट, ठीक है, लेकिन ये कोशिश ये करें कि जो उनके लिए बोलना जो है ना इजी हो जाए, जिसको जिस नाम को वो हम जो है ना झूठ नहीं बोल रहे होते लेकिन एक ऑल्टरनेटिव नाम रख लेते हैं अपना, जिस तरह के मैंने मतलब जॉन स्मिथ रखा हुआ है, ठीक है, फैसल भाई ने वो एक और नाम रखा हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद आपने अपनी ईमेल देनी है, अपना मोबाइल नंबर देना, अपना डाटा देना, डाटा देने के बाद यहाँ से फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है, फिर उसके बाद मजीद उसकी आगे जो फर्दर रिक्वायरमेंट होगी आपने वो उसकी पूरी करनी होती है। अब सर यहाँ पे अभी मेल जो मेल है और नंबर है वो पाकिस्तान के देंगे कि जो ना, आपने जो भी डिटेल देनी है, आप जिस भी कंट्री में काम कर रहे हैं वहां की डिटेल ही देनी है, पाकिस्तान की देनी है, पाकिस्तान की नहीं देनी है आपने, पाकिस्तान में नहीं देखी, सही है, सही, ये देखिए ना, अगर आपने ईमेल देनी है तो वो आपने वेब ईमेल देनी है, अगर आपने नंबर देना है तो ये देखें प्लस डबल फोर, ठीक है जी, ये कौन सा नंबर है, यूके का नंबर है, ठीक है जी, ठीक हो गया। ठीक है, अब ये देखें, अब हमने वहां से किया, वो वहां से हमें यहाँ पे रिप्लाई कर देगा, इसके दो मतलब के तरीके होते हैं काम करने, एक तो वो ये चीज कहता है कि जी आप जो है ना मतलब के ईमेल चेक करता है कि जिस ईमेल से हमें जो है ना वो आया है मेल आई है क्या वो अथेंटिक है कि नहीं अथेंटिक, ठीक है, एक तो ये चीज होती है, दूसरा जो भी हमें वो रिस्पॉन्स दे देता है इस पर हम आपके साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना इसमें चेक कर लेता है। अच्छा, उसका नाम क्या था, शॉन ब्रदर्स, शॉन ब्रदर्स, नहीं आई थिंक वो मैंने इसका डाटा टाइप कर दिया, हालांकि ये डिस्ट्रीब्यूटर मेरे पास भी था, ठीक है, तो ये चीज होती है, ये काम की सारा तरीका कार होता है इसका सारा, ठीक है, कोई चीज किसी चीज में कोई मुश्किल नो सर, सर बस इसमें लास्ट क्वेश्चन ये था कि अभी जो हमने गूगल पे सर्च किया इसमें हमें कितने चेक करने हैं, फर्स्ट पेज के सारे चेक करने हैं कि सिर्फ सेकंड पेज पे भी जाना है, सेकंड पेज पे भी जाना क्या मतलब, मतलब ये आप गूगल वाले पे आए ना, हाँ इसके नीचे आएंगे, बस यहाँ तक ही आएंगे नीचे, हाँ जी, नहीं 10 पेज तक आपने जाना है, सारे पेजेस आपने चेक करने हैं, हाँ वही पूछ रहा था 10 पेज तक जाना है, हाँ मीटिंग एंड होने लगी है, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, नहीं नहीं सर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, क्लियर है, किसी बंदे को कोई मुश्किल, किसी की मुझे लगता है किसी को आवाज नहीं आ रही है, किसी की आवाज नहीं आ रही, मुझे सर मुझे पूछना था ये मैन्युफैक्चरर जो है और ये होलसेलर ये सब सेम ही है, हम किसको सर्च करेंगे ज्यादा, मैन्युफैक्चरर वो होता है कि जो चीज को बनाता है जी जी, और जो है ना होलसेलर वो होता है जो आगे मैन्युफैक्चरर से लेके तो आगे होलसेल में सप्लाई करता है जी, वो तो मुझे पता ही नहीं सही है, लेकिन यानी हम किसको सर्च करेंगे, होलसेलर को ही करेंगे या तीनों को ही करेंगे, फिर जो भी मिल रहा है हम डिस्ट्रीब्यूटर को भी करेंगे, होलसेलर को भी करेंगे, मैन्युफैक्चरर को भी करेंगे, ठीक है, अच्छा ठीक है, और ये सब कैटेगरी जो है हमें एक ही दानियों के डिफरेंट डालते जाए, डिफरेंट डालते जाओ, डिफरेंट डालते, ठीक है ठीक है, ओके ठीक, और एक चीज ये बता दें आपको,
अच्छा इस चीज को क्या कहते हैं? होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर। नहीं 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 ये जो मैंने आपके ऊपर दो डाले हैं ये अब होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर जो होलसेल वालों की हाँ जी होलसेल तो डाले हैं इसके ऊपर कॉर्नर के जो कॉर्नर डाले हैं इनको क्या कहते हैं? ये इनको कहते हैं याद नहीं आ रहा लेकिन नहीं सॉरी मुझे भी नहीं ध्यान में आ रहा। इनवर्टेड कॉमास बोलते हैं। इनवर्टेड कॉमास या इनवर्टेड कॉमास ठीक है ये उल्टी कॉमा है। हाँ जी उल्टी कॉमा इनवर्टेड कॉमास। हाँ जी अच्छा इसके बाद ये चीज रह गई थी आपने ना ये अगर होलसेल लिखते हो ना अगर ये तो मैंने जो है ना होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों लिख दिए हैं ठीक है। आप डाटा ज्यादा से ज्यादा डाटा कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर भी लिख सकते हो जस्ट होलसेल भी लिख सकते हो जस्ट डिस्ट्रीब्यूटर भी लिख सकते हो लेकिन आपने एक काम करना है कि जब आप सिंगल सिंगल सर्च कर रहे हो ना तो ये इन्वर्टेड कॉमास आपने डाल लेने हैं ठीक है। तो मुझे बंदा जल्दी से बता सकता है कि इन्वर्टेड कॉमास का मकसद क्या होता है? ऐसा ये है कि गूगल मतलब उस चीज पर ज्यादा गौर डालेगा। हाँ जी अगर उसी पर फोकस करेगा। हाँ जी उसी पर फोकस करेगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी चीज हम लिखेंगे उसी पर फोकस करके जो चीज हमने लिखी है ना उसी को निकाल के लेके आएगा जी सर। अब ये देखें होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर यानी कि ये चीज जो है ना वो उठा के लेके आया वो मस्त है ना वो चीज वो लाजमी होगी। हाँ जी वो चीज लाजमी होगी। सर एक और बात पूछनी थी मुझे कि जो हम लोग अभी ब्रांड्स के नेम निकाल रहे थे तो आपके ख्याल में कौन ज्यादा बेटर है यानी ब्रांड से लेना ज्यादा जरूरी है या होलसेलर से किससे हमें ज्यादा फायदा? ज्यादा फायदा तो वैसे ब्रांड से होता है हमें डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी पड़ा हो तो उस ब्रांड के प्रोडक्ट हम डिस्ट्रीब्यूटर से उठा लेते हैं तो फिर वो ब्रांड्स वाले हमें मीटू करने देते हैं उनके हम अगर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेते हो ना तो फिर वो आपको इजाजत दे देगा। मसला क्या होता है मतलब कि आप ये क्या नाम है इसका कुछ भी मतलब कि सर्विस वाले हैं बाटा वाले हैं ठीक है जी बाटा वाले हैं तो बाटा वाले से हम अकाउंट लेते हैं तो बाटा वाले हमें जो है ना वो हम वो कहते हैं कि आप हमारे क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते क्योंकि उनकी डिमांड कुछ और होती है कि आपने सालाना हमसे इतनी इतने जो है ना मतलब रुपये की या इतने पाउंड की परचेजिंग करनी है हमारा बजट होता है थोड़ा हम इतने पाउंड की प्रोजेक्टिंग नहीं कर पाते इसलिए वो जो है ना हम उनके क्राइटेरिया पे फिर दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि आप ब्रिक्स ब्रिक्स एंड मोटर होना चाहिए आपका फिजिकल स्टोर होना चाहिए या फिर आप वो जो है ना अमेजोन पे सेल नहीं कर सकते ये वो सब जो भी उनकी जो है ना मतलब की होती है डिमांड ठीक है हम उन पर पूरा नहीं उतरे लेकिन साथ ही जो है ना हमारे गाँव में ये शॉप है उसकी जिसके पास मतलब के जो है ना वो ब्रांड का वो ब्रांड ने उसको अपनी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है ठीक है हम उससे परचेज करके आगे फर्दर जो है ना रिटेल में सेल कर सकते हैं ब्रांड में कुछ भी नहीं बोल सकते क्यों कि हमने उसी के सिलेक्ट करता बंदे से उसी के सिलेक्ट करता डिस्ट्रीब्यूटर से उसी के सिलेक्ट करता होलसेलर से उसकी एक लीगल प्रोडक्ट को जो है ना लीगल तरीके से दिया है ठीक है इससे इस पर ब्रांड कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा और ब्रांड के पास प्राइस और डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल के पास प्राइस सेम होती है इनमें कोई डिफरेंस आ जाता है? अगर आप होलसेल कुछ लेते हो ना तो वहाँ की प्राइस जो होलसेल में होगी वहाँ की प्राइस में और वजीराबाद के प्राइस में फर्क होगा दर सी बात है हर बंदे को पता है। आप कराची से लेते हो कराची में प्राइस और होगी आप डेरपी से कुछ लेते हो डेरपी में प्राइस कुछ और होगी सी बात है। अगर ब्रांड है तो ब्रांड ने डिस्ट्रीब्यूटर को देना है तो डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना मार्जिन रख के तो फिर आगे देना है तो प्राइस में ऑटोमेटिकली फर्क आएगा कि नहीं आएगा? सर यहाँ पे हम होलसेल नहीं लिखेंगे सॉरी ब्रांड नहीं लिखेंगे जहाँ पे होलसेल लिखा है नहीं नहीं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं ब्रांड से तो आ रहा आप ऑलरेडी कर चुके हो ठीक है ओके ठीक है।
क्योंकि ब्रांड हंटिंग तो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। जब ब्रांड हंटिंग से हमें कुछ नहीं ना मिला, उसके बाद फिर फर्दर हम जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल की तरफ आए हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है ना, ये जो है हम डायरेक्ट ब्रांड से ही रब्ता करें डिस्ट्रीब्यूटर से और इतना टाइम वेस्ट करने का, लेकिन ये कि रिजल्ट दोनों से मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर से सर। मतलब हमने अभी अपने पास अब डाटा सेव कर लिया, अभी हमने किसी के साथ कॉन्टेक्ट नहीं किया ना, तो हम इनके साथ सबके साथ कांटेक्ट करेंगे वन बाय वन, ब्रांड के साथ भी, होलसेलर के साथ भी, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी। हाँ जी, सबके साथ आप रब्ता करोगे। ठीक है, ओके। और कोई किसी और का क्वेश्चन? नो सर, फिलहाल नहीं जी। वकार भाई, क्या नाम था आपका भाई का? अवैस राजा, आपको समझ आइए? अवैस राजा साहब, जी जुबैर नाजिश हैं इधर के? नहीं हैं जी, जुबैर नाजिश भाई, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, तो आपको समझ आई है क्लास की? भाई मतलब कि ओवरव्यू समझ आ गया एक दफा, तो मैं ये जो रिकॉर्डिंग वीडियो हो रही है, इंशाल्लाह मैं जब अगेन लूंगा ना, तो वन बाय वन इन्हें ईच स्टेप क्लियर करूंगा। नहीं, वो तो मजीद आप प्रैक्टिकल करोगे तो फिर बहुत सारी चीजें आपको फेस करना पड़ेंगी, फिर वो फर्दर आस्ता आस्ता क्लियर होंगी। अभी जो क्लास हुई है यहाँ पे जो है ना, कोई ओवरव्यू आपका क्लियर हो गया कि यह इस तरह से काम करना है जी? एक माइनर सा थीम समझ आ गया है मुझे जी। ठीक हो गया जी। मुबीन फातिमा जी, इस्लाम भाई मुझे समझ आ गई है और मेरा माइक जो है ना वो वर्क नहीं कर रहा। जी जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, कमर जमान भाई, कमर जमान। अच्छा जी, शमसा रहमान। जी सर, एक्चुअली ना आई जस्ट जॉइंड योर सेशन, थोड़ा सी मसरूफियात की वजह से ना, मैं जब रिकॉर्डिंग में दोबारा से लूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैंने इनफैक्ट लिया ही नहीं सेशन, सॉरी फॉर दैट। क्लास में तो काफी देर से थे, मतलब अच्छा क्लास म्यूट करके वो बाय पे ले गए थे। चलो ठीक है। नहीं, वो एक्चुअली वो कुछ पर्सनल काम आ गए थे, इस वजह से नहीं मैं अटेंड कर पाई। ऑल्दो ये ऑन ही, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा फिलहाल कोई कभी हो गया, पूछना कभी हो गया जी। फरमीता जी सर, क्लियर हो गया? बीच में ना आवाज नहीं आ रही थी मुझे, थोड़ा मैं भी देख लूंगी, लेकिन मुझे क्लियर तो हो गया कि किस तरह करना है। ठीक हो गया। वैसे राजा साहब, अगर आप जी आप पूछो, क्या पूछना सर? आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में ना, ये मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग है ये शेयर कर दीजिए। जी जी, कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर जी। जी, ये आप ये दो सेक्शन हुए ना, तो हमारी दो मीटिंग रिकॉर्ड हुई है। तो आप ये अभी कर दीजिएगा जैसे ही मीटिंग एंड होगी, क्योंकि मुझे फर्स्ट मीटिंग में भी आपकी सारी डिस्टॉर्शन थी और सेकंड में तकरीबन बस अब 10 मिनट से मैं आपकी आवाज क्लियर सुन रही हूँ, मैंने ये आप अभी सुननी है दोनों। ठीक हो गया, चलो कोई मसला नहीं, बोलिएगा क्लियर। तो अच्छा जी, अवैस भाई अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज आप एक दफा बता दें, ताकि फिर जो है ना मीटिंग को एंड करें।